नरकटियागंज में शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा इंतजाम के साथ बकरीद की नमाज पढ़ी गई है। नगर की जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ी गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद दिखे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक धूमधाम से बकरीद त्योहार मनाया जा रहा है। सभी लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। गुलरेज जख्तर ने कहा कि मुल्क की खुशहाली, तरक्की, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई है। कुर्बानी कबूल करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई है। इसके बाद सभी इबादतगाहों पर नमाज अदा की जा रही है। मुल्क की खुशहाली, तरक्की, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा ये वाजिब नमाज है जो साल में एक बार होती है, और मुसलमानों के लिए ये दो नमाज का काफ़ी अहमियत है। इसमें कुर्बानी ईद उल फित्र में मीठा है, सवई खाना है, और बकरीद ईद उल अजहा इसको कहते हैं, इसमें कुर्बानी करना है, और कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए सुबह की नमाज अफजल है और सुबह की कुर्बानी भी अफजल है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द नमाज अदा करके और कुर्बानी की जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके से? हम पूरे भारतवासियों को, खास करके अपने बिहार के इस अनुमंडल नरकटियागंज के क्षेत्र के सभी अपने मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मजहब सब एक है, मानने का तरीका अलग है। अगर हम लोग सब मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार को इसी तरह से मनाएं तो हमारे हिंदुस्तान में चार चांद लग जाएगा। लेकिन अफसोस है कि इसमें भी, हमारे मजहब में भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा तोड़ के रखते हैं, और हमारे हिंदू भाइयों के भी मजहब में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा तोड़ के रखते हैं। अगर हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि उन असामाजिकों को अगर अलग कर दिया जाए तो फिर किसी में कोई अंतर नहीं रहेगा, और सब लोग का सीना चाक और एक हो जाएगा। सब लोग आपसी मोहब्बत के साथ अपने अपने मजहब को मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने अनुमंडल क्षेत्र के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को मैं ईद उल अजहा का मुबारकबाद देता हूं, और शांति प्रिय होकर हम चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने त्यौहार को अदा करें।